ठीक है भाई, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ सो जा तो सो जाते हैं। हाँ भाई व्लॉग एंड करते हैं, आज लास्ट आखिरी नाइट है हमारी यहाँ पे गेमिंग हाउस पे, कल तो सब अलग अलग हो जाएंगे भाई। ये हम लोग बैठे हैं हमारे 8 बिट के फ्लोर में, बड़े लोग हो गए भाई, क्यों देखेंगे अब? क्या? और माँ हमारे मुझे लगा तुम रीटेक के लिए पॉज मार गए। अरे 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 हम लोग रीटेक का ही लेते हैं, वन टेक में होता हमारा, तो कहाँ ही मुड़ोगे भाई अब तो, तुम्हारा अलीगढ़ को दिल्ली एयरपोर्ट से चला जाएगा भाई। तुम बड़े लोग, हमें आना पड़ता है एयरपोर्ट तक 4-5 घंटा रहने दो भाई। और इतना टाइम दिल्ली टू मुंबई लगता है, उससे ज्यादा टाइम अलीगढ़ टू दिल्ली लगता है भाई। एक शख्स ऐसे है जो बहुत दिनों से पड़े हुए हैं यहाँ पे गल चुके हैं बेचारे भाई, गलत आइटम है भाई। महीनों से दिनों से ये तुम्हें ये चीज समझने में तो दिक्कत हो गई, ये हमारा ससुराल है, मायका वो है। तुम ये मायका समझ बैठे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर बच्चे का ठीक है। ये पता है जब इसने एडिडास का पजामा लिया था ना, एक्चुअली पजामा था जो कैपरी बना कैपरी से जब कैपरी तब पजामा था कैपरी और अगली बार आओगे ना तो ये स्विमिंग सूट बन चुका होगा, स्विमिंग बॉक्सर बन चुके होंगे। नहीं उसके बाद भी एक स्टेज आएगा जहाँ पे वो वी वाला कुछ मतलब बनाएगा हरा भी पोचा बनाएगा। मार दो मॉनिटर में मामा, तीनों मॉनिटर पे एक एक बार सर मार दो। घर वाले तुम्हें याद करते हैं, मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे ये कौन आ गया सरप्राइज देने जा रहे, बाहर ही बैठे रह जाएंगे सामान समेत, सरप्राइज हो गए घर वालों से। ई कोने में घर वाले ही बोलेंगे, एक तो ठीक है कि इसके बाल हम लोगों ने जो इस बार बनवा के दिए है ना, पता नहीं किसने गाइड करा था, डैंड्रफ आ गया इस बार। अरे अबे उसने बहुत कुछ लगाया था सर पे, उसकी वजह से हो गया। इनके सर ने तो कुछ करा ही है, नहीं जा रहा है ना, ये नहीं जा रहा, अबे अबे डैंड्रफ नहीं जा रहा है अरे अपने घर पे इसके पापा यही बोल रहे होंगे इसको, और ये अपने पापा को यही ना बोल रहा हूँ, अपना ही पुत्र है जी, बाहर जाता रहता है कनाडा में। एकदम से गेमिंग हाउस जाके इतने बड़े हो गए, पापा से बड़े हो गए एक्चुअली अपना ही बुंडा है ये मम्मी, मतलब एक्स भी नहीं ऑन किए हैं। अरे वो नहीं होता मामा, वो एक मार एक वो जेली सा आता है पानी में डालो और फूल जाता है वैसे बोल में रखते हैं और ऊपर पौधा होता है। हेलो दिशा कैसी हो? तुम वही जाली हो ठीक है, थैंक यू, इतनी तारीफ मत करो। कल बात है गाइस, हमारी फ्लाइट है 8:45 पे हमारी, और इन शख्स की है 11:30 बजे, ये बैठ के दिशा के साथ वीडियो कॉल करने वाले। इन्होंने बोला कि फेस टाइम का मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरे को ज्यादा टाइम मिलेगा बात करने के लिए, तो ऐसे कोई नहीं यार, तेरी लिबर्टी है, तू एक उड़ता पंछी है, तू जो चाहे कर सकता है, करना भी चाहिए यार, लाइक आजकल की जनरेशन है। अब ये देखो 8 कपड़े का गाना आए थे, 8 ही कपड़े हैं बस, ये एक अचीवमेंट है। मैं 8 से आया था 64 पे जा रहा हूँ। मैं भी एग्जैक्टली, मेरा बैग ना हाफ भरा हुआ था, और अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं मेरा बैग कितना भरा हुआ है। मेरे पास 5 जीन्स है बस ठीक है, और मेरा कमरा उठा के देखो ये अभी सूटकेस। ऐसा क्या भरा हुआ मामा, उठा के देख क्या ये वाला। हाँ, उठा के भाई, ये तो तुम्हारी आधी हाइट जितना आ रहा है, कमर जितना तो आ ही गया। आ जाओ अभी, ये क्या करोगे भाई? तो भाई तो मेरा उठाओ, तुम्हारे भाई के देखो मेन चीज तो ऊपर ही पड़ी है, कल जो पहन के जानी है इसको रखो साइड पे। पोछे के कपड़े मैंने छोड़ दिए यार माफिया। पिकाचू क्या क्या है ये, मेरी है गाय बर्थ। हेलो पंखा चलाइयो। ओ भाई क्या था, नीचे मेरा बैग देखो फिट भी नहीं हो रहा, एक और जूते पड़े हुए अंदर, ये नए टी शर्ट जो खरीदे थे मैंने, मन किया था भाई खरीद लिया हम लोगों ने भी। अभी तक तो हम लोगों ने आपको बताया भी नहीं कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग सब अपने घर जा रहे हैं, सबको घर पे सरप्राइज दे रहे हैं। तू भी सरप्राइज दे रहा ना मामा, तू भी? रेखा का नहीं पता है, रेबल का नहीं पता है, और मेरा भी नहीं पता है। सो हम सब लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों को इस वाली वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो के एंड में सबके जो भी सरप्राइज है, जो भी भांडे थे वो फूटेंगे, क्योंकि हम लोगों ने किसी ने भी नहीं बताया अभी तक, आप लोगों को भी नहीं पता था। ये रेड बुल गाइस बची हुई है ठीक है, ये मैं दे रहा हूँ मर्सी को, ये भी गिनवा रहा है गाइस, देखो ये भी गिनवा रहा है, रेड बुल दे रहा है, वो भी स्पॉन्सर्ड है, और वो भी गिनवा रहा है, बताओ हद होती है भाई किसी बंदे की ना, किसी बंदे की पूरी हद होती है सर, हद देख लो बंदे। 24 में से 1 पिया मैंने, क्या
बाकी पांच इसको दिए थे, चार इधर रखे, बाद में गायब। भाई पांच यहाँ पे आए थे, मेरा तो है ही नहीं भाई, मेरा तो कुछ था ही नहीं उस दिन। मैंने वो जो जीती थी क्रेट और वही पिया था। आए थे, गायब हो गए अभिनव भाई, और आए उन्होंने लिया, और वो आया आदित्य आया उसने लिया हाफ पैंट ने। पैंट वो तो मैंडेटरी है, वो तो आगे पीता ही है। हाफ पैंट नहीं है, हाफ पैंट है। HAPPANT हाफ पैंट। तो मेरी पता नहीं जुल्फे अलग से क्यों बन रहे, मेरे को वापस जाके बाल कटवाने पड़ेंगे। उस दिन अंकल ने ना जो अपनी मर्जी से जो कैंचियां चलाई है, मेरे को लगा कि वो मेरे हिसाब से चलाएंगे, बट वो कह रहे कि नहीं बेटा यहाँ से बहुत सही है, यहाँ से नहीं काटने। मैं कहा भाई ठीक है समझ लेते हैं। मतलब वो अंकल की मालिश बहुत बढ़िया है, कुछ भी बोलो। हाँ, पर बाल नीचे काट। अरे भाई छोड़ो भाई, 2.5 लाख की व्यूअरशिप क्या ही है मिस्टर बीस्ट। छोड़ो भाई क्या है, बड़े लोग है भाई वो, हम लोग का ही है, कौन हम। चैलेंज देखो क्या है, क्या? चैलेंज ये है कि जो है इन्होंने अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करी है, तो मर्चेंडाइज खरीदने के लिए 24 घंटे हैं। जितने लोग भी मर्चेंडाइज खरीदेंगे उनमें से 20 लोगों को रैंडमली उठाएगा, एंड ही विल फ्लाई दोज पीपल, दोज 20 पीपल अपने पास। क्या करोगे? Those 20 people अपने पास, और फिर उनको compete कराएगा for $1 million। और इसने ना वैसे बहुत सही कॉन्सेप्ट है यार, अगर हमारे पास चलो हम लोग मर्चेंडाइज वगैरह तो हम लोग मर्चेंडाइज भी कर लें, हम लोग स्ट्रीम भी कर लें, हम ये कहाँ से लाएंगे। अभी मामा अपने ना थंबनेल दिखा रहा था कि तुम्हारा हीटर कौन बनाता है, कितने का बनाता है। मामा ने बोला 450 का एक थंबनेल बनता है। ये क्या ये क्या बजे है, मैं 80 देता हूँ। 450 का तो इसको लगता भी नहीं है। नहीं इसे पता क्या बोला, देखो 80 वाले देखो अस्सी वाले में माफिया एक पे भी नहीं है। ये रहे माफिया वीडियो वाले देख रही है। तू कहाँ है इसमें? ये माफिया एक माफिया ने दिशा के लिए 1 वर्सेस एडिट कर दिया। हां 1 वर्सेस एडिट कर दिया, बट पता है कह रहा एडिटर ने बोला 150, कह रहा मैं 80 दूंगा। सब्जी मंडी में अंडे नहीं आती, 150 नहीं भैया, ठीक ठीक लगाओ भैया, भैया ये थंबनेल है, मैं फोटो भी नहीं लगवा रहा, ठीक नहीं भैया 100। अरे नहीं भैया मैं सुनो, अपने औकात अनुसार। क्या नहीं अपने औकात अनुसार देते हैं ना फिर। ये देखो ये 4.5 लाख वाले, 450 का है क्या, बात कर रहा है ये 450 रुपए का। ये सेम चीज मेरे को बना के दिया था, बस तेरी फोटो लगा रखी है इसमें, कुछ नहीं किया। ड्रॉ करता है वो, ड्रॉ करता है पूरा। तो उसने कॉपी दे तेरे, तू कहने क्या चाहता, तेरे 80 वाले से इसके 450 वाले ने कॉपी कर रहा है। अबे सुन, ये सेम बैकग्राउंड में बैकग्राउंड गया, वो तेरी फोटो लगा है 450 का चुना लगा है तेरे को। कह रहा है पागल बना दे, कह रहा 80 रुपए वाले सारे। ये चैनल अभी भी खुला हुआ है, बंद नहीं किया मैंने। कह रहा 80 रुपए वाला 450 चिपका दिया है। इसमें क्या कह रहा है, किलफिट चिपका दिया, भूल ना जाए लोग कहाँ पे आए। आप एडमिन बाबे के चैनल पे सस्ते से ऋतिक रोशन चिपकाए हुए यहाँ पे। अरे लोग बाहर से एक्सपेक्ट करेंगे अंदर, ओ ऋतिक रोशन दबाओ, एक बार दबाओ वीडियो ओपन करो, नहीं खोलो ना थोड़ा आगे कर, बाबा जी नहीं ओपन करो, ओ अभी भी ऋतिक रोशन आएंगे, ओ माय गॉड ऋतिक रोशन डीजे वाला। माफिया कह रहे हैं तेरे 450 के तुमने, मैं तो 80 वाले बनवाता हूँ, 80 वाले देख रहे हैं इनके, 80 वाले देख तो लो तुमने। मेरे तुमने तुम्हारे तुमने तुम्हारे तुमने कितने के बनते हैं, कितने के आधार देते हो, आधार देते हो सच में, आधार देते हैं भाई। देखो आत्मनिर्भर भारत का रास्ता, मैं खुद बनाता हूँ अपने थंबनेल, लाइक बटन दबाए, सब्सक्राइब बटन, बोल लूँ मैं एक बार। अबे मैं देख मेरे सारे थंबनेल नहीं होते भाई, क्या करूँ, जो आर्ट वाले होते हैं ना वो नए वो होते हैं, ये अलग ही बज रहा है भाई वो।
पहले मामा का दिखाओ इसको, क्यों दिखाया मामा? बैठ ले रहे हो तुम घर? माउस पैड छोड़ो, ये तुमने क्या गाइस, ये देखो मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये देखो ये इसलिए इतनी चॉकलेटी हो रही है बिकॉज़ चॉकलेटी रेगा यूज करता है ये। मैंने मामा के ब्लॉग में इसका रीजन दे दिया। क्या दिया, क्यों दिया? रीजन मामा, सुनो मैं क्या कहता हूं, घर लेके जाओ, मेलेडी चॉकलेटी को गाइस लेके जाओ, कॉल दो मेरे भाई, कॉल दो, ये पबजी थोड़ी है, पबजी में तुम्हारे कॉल आए नहीं, यहां पे कॉल चाहिए तुम्हें, मुंह क्यों खुला रह गया सर? तो गाइस जाना पापा जा चुके हैं सर, अरे ये वाला, ये वाला मैंने 450 वाला पता है, 450 वाला कौन उठा गया, ये जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, ये पता है 450 वाला कौन है, जो कैरी के थंबनेल बनाता है। तो कैरी सिर्फ 450 रुपए थंबनेल बनाता है? नहीं, उसके बढ़िया होते हैं ना, उसके और बढ़िया होते होंगे तो उसका वो सब पौने 500। तुम्हारे इतने बढ़िया क्यों नहीं होते? मैं 80 वाला 450 वाले पे बैठ के सब छोड़, ये 80 रुपए देता होगा, ओए तू 80 रुपए जीपे करता होगा भाई अभी बज रहा है भाई, माउस पैड बैग में रखो, बैग में रखो नॉर्मल आंसर था। रात के 3 बज रहे हैं तो, और ये भी बज रहा है, बज क्यों रहा है? और अभी हमें 5 बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं और ये भी बज रहे हैं, तो बज ही रहे हैं भाई, कब से माउस पैड गए भाई, ले लेके रख दे भाई, माउस पैड जितनी मेलोडी रखी हुई है उतना ही पहनना चालू करा, गंदा धोने वाला थोड़ी दिनों में कोई रे, कौन सी है ये खुद की शुरू करी है, गो फास्ट एज़ फक बुई, स्वागत होने वाला। अरे आप तो लास्ट 8 महीने पहले मुंबई आए थे, क्या कर रहे थे 8 महीने से? 8 महीने से गए क्यों नहीं, यहीं पे क्यों? यू आर सुपर सेफ, आरोग्य सेतु भी बोलेगा भाई निकल यहाँ से, माफिया है बसते हुए ऊपर से नीचे, सबसे पूछा खाना खा लिया किसी ने, सबने टेढ़ा मुंह का आंसर दिया कि पूछ ही रहा भाई खाना। फिर जब मैं खाने बैठा, मैं ऊपर आया माउस और सब रखने, मतलब कीबोर्ड सब पैक करके नीचे, तभी बज रहे थे भाई। मुश्किल से एक जोक मारा है, प्लीज लाइक कर दिएगा ब्लॉग। चोर वो नहीं है, इसने निकाला ही नहीं, इसको पता ही नहीं कि खरीदने के बाद इसने कहीं निकाला भी था। बट यार आखिरी बार फेयरवेल दे रहे थे माफिया, जहाँ पे हम लोग सोया करते थे। तूने मेरा ब्लैंकेट यूज किया था, धो के रखना, मेरे पास थोड़ी है पता नहीं भाई तेरा ब्लैंकेट कौन सा है जो मैं यूज करता हूँ। अच्छा हाँ, ब्राउन वाला, ओ भाई वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, वाला था बढ़िया। और देख बिल्कुल साइड में देखो, बिल्कुल ब्लैंकेट फोल्ड करके रखा हुआ तुम्हारे भाई ने, समझ रहे हो, इज्जत से रखता हूँ। तूने रखे आंटी ने रखा, लेकिन आंटी रात को आती, मैं अभी सोया था थोड़ी देर पहले, और बता। ठीक है भाई, कोई नहीं सो जा, सो जाते हैं। हाँ भाई, ब्लॉग एंड करते हैं, आज लास्ट आखिरी नाइट है हमारी यहाँ पे गेमिंग हाउस पे, कल तो सब अलग अलग हो जाएंगे भाई। ये तू तो निकल भाई, तू तो, तेरे को तो मम्मी भी बोल रही होगी आंटी आप लोग किसको मिस करते हो, नहीं करते कि जबरदस्ती ऐसी, ये नहीं आना चाहता, मेरे को लगता है कि यही नहीं आना चाहता। हेलो दिशा, कैसी हो?
दो महीने पहले इस रूम में एंटर मारा था मामा, यही कोने में स्ट्रीम करा करता था, मामा ने मेरी जगह भी छीन ली भाई। सितंबर 1 को आया था मैं यहाँ पे, ठीक है, गेमिंग हाउस में, और नवंबर 1 को जा रहा हूँ, दो महीने हो चुके एग्जैक्टली। हम लोगों ने यहाँ पे गेटिंग ओवर इट पूरी करी थी, हम लोगों ने यहाँ पे GTA 5 भी बहुत खेली, हम लोगों ने यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस भी बहुत खेली, हम लोगों ने यहाँ पे फ्री फायर भी खेली, हम लोगों ने यहाँ पे COD भी खेली, हम लोगों ने यहाँ पे पबजी मोबाइल भी खेली है। तो बहुत सारी गेम्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने, और बहुत सारी यादें हैं जो इस जगह में। कभी आना नहीं वापस, आ तो जाना ये महीने वापस। अरे भाई क्या पता मैं ना हूँ भाई, चले जाने वाले कभी कभी नहीं भी आते यार। हम तो चले मुगरे बोलते होंगे, पहले बोलते थे ना ऐसे दो उंगली आगे करके, मैम कैन आई गो टू टॉयलेट, कह रहा हम लोग दो उंगली नहीं करते थे, हम तो पूरा हाथ आगे कर देते थे। ये बोलते हैं ऐसे करते थे तुम, एक ऐसे बैग भी चाहिए होगा ना, ठीक है थोड़ा सा क्या मुझे बोलना पड़ता है। अरे ओ सुनो, बजो मत, ठीक है, व्लॉग सुनो गाइस, मेरा आज ना हेडेक हो रहा था इसलिए कसम से। ये देखो क्या क्या चीजें बोलता है, फालतू में चिढ़ाता है, कहता है ये कि तू नहीं डाल रहा, तू आलसी है, ये है वो है, मेरा हेडेक हो रहा था, और आप लोग लेजिटिमेट मेरी बातें समझोगे, मेरा अभी भी हेडेक हो रहा है, बट स्टिल आई थॉट कि आज कुछ ना कुछ करके कल आप लोगों को वीडियो मिल जाए। आज की स्ट्रीम में भी एंड कीर्तन करा रहा होता है यार, गाइस देख सबका एंड कराता है यार, क्या ये मेरा भी फालतू है यार। आप लोगों को लगता है ना ये भोला है, पागल हो गया, क्योंकि बिल्कुल भोला नहीं है। 11 बजे आया था मेरे को देखने के लिए और मैं सो रहा था, मैंने इसको बोला कि चल तू जा, मैं आज वीडियो नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मैंने शूट ही नहीं करा है भाई, तो एडिट कैसे करूंगा। और ये महाशय नीचे जाके पता है क्या बोलते हैं स्ट्रीम पे, क्यों आ रहा था ऊपर, इसने आगे चेक नहीं करा, फॉलो करो उसको, उसके स्टोरी डाला है, आप लोग चेक नहीं करते स्टोरी उसका, वाली इंस्टा चेक। हां चलो ठीक है, स्टोरी चेक करने का था, ठीक है, वो उन लोगों ने नहीं करा भाई, आप देखो आपके ऊपर भी ब्लेम डाल रहे हैं, आपके ऊपर भी ब्लेम डाल रहे हैं। मफे तो याद आएगी दिशा की, याद आएगी हम लोगों की, कहाँ से आएगी भाई, यहीं पे बैठी इस मॉनिटर पे जो तू हेलो दिशा कैसी हो करता रहता था। जब से मैंने छुपाना शुरू करा तब से इसको पता भी नहीं कि कौन इम्पोस्टर, जब मैं बनता हूँ ना इसको मैं हिलाऊंगा क्योंकि डेटा ट्रांसफर हो रहा है। इन लोगों ने मेरे को परसों बताया था बट मैंने ब्लॉग में शूट नहीं कर पाया क्योंकि लाइक ऑब्वियसली किसी की प्राइवेसी होती है यहाँ पे, किन्होंने अंडे दिए किसी ने अंडे दिए, यहाँ पे प्राइवेसी होती है भाई किसी चीज की, तुम किसी के गिरवाल में कैसे जा सकते। आवाज आ रही है आप लोगों को हल्के हल्के गाइस, रुको ये देखो चिड़िया, रुको फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ये देखो ये नीचे दिख रहे हैं दो अंडे, ये देखो ये छोटी छोटी चिड़िया हैं, ये अभी अभी जस्ट एक या दो दिन पहले ना माफिया, एक या दो दिन पहले इन्होंने अंडे दिए, देखो ये थोड़ी सी बच्चे भी हैं बट वो देखो वो पिजन मोटी भी हो गई है थोड़ी सी, और ये देखो नीचे बच्चे हैं देखो छोटे छोटे से, और अंडे पता नहीं अब तो फूट चुके हैं ऑब्वियसली, जाग रहे नहीं, एडिटिंग करो कल हाईलाइट चाहिए, हाईलाइट चाहिए, जाओ मछली कब सोती है, नहीं सोती है। सो गाइस मैं गेमिंग हाउस में आया था सितंबर 1 को एंड मेरे आते ही पबजी मोबाइल बैन हुआ, एंड उसके बाद जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पे मेमोरीज कलेक्ट करी, मैंने ऑलमोस्ट डेली व्लॉग डाले हैं, जब गेमिंग हाउस का जब इंट्रो था मैंने जो बनाना था उसके पहले दो दिन की ऑफ लिया था मैंने, उसके बाद एक या दो दिन का मुश्किल से ऑफ लिया है, तब तक हम लोगों ने अनलिमिटेड दो महीने का कंटेंट बनाया है। एंड आज भी मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग नहीं डालूंगा बट दिस वॉज काइंड ऑफ अ सरप्राइज वीडियो फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, और मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल टच हमेशा रहते हैं जब भी मैं इधर आता हूँ, बिकॉज आप सब लोग बहुत ज्यादा प्यार देते हो जब भी मैं इधर आता हूँ गेमिंग हाउस में, द काइंड ऑफ स्टफ इट हैपेंस बिटवीन मी एंड माई व्यूअर्स ऑल्सो, जो पहले से भी मेरे को देखते आ रहे, जो के टाइम से भी मेरे को देख रहे, क्योंकि उस टाइम पे इट वॉज लाइक प्योर ऑडियंस जो मेरे को रेगुलरली देखती थी, जैसे मैंने पहले ही बताया 1.5 लाख से 2 लाख हम लोग ऑडियंस देखते हैं, बट जब से मैं इधर आया था तब आई गॉट गुड अमाउंट ऑफ न्यू व्यूअर्स ऑन माई चैनल, एंड आई एम सीरियसली ब्लेस्ड कि मैं आप लोगों को
एंटरटेन कर पाया दो महीने तक लॉकडाउन में. आई गेस कि जो भी आप लोगों को थोड़ा सा भी हंसा पा रहा है ना, दैट गाय इज डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर यू. एंड मेरे लिए बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं देख के पर्सनली मोटिवेट होता हूँ एंड खुश होता हूँ. एंड आई एम फीलिंग लकी एंड इमोशनल एट द सेम टाइम कि मैं वो चीज़ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पा रहा हूँ. एंड अभी तक जो भी भूल चूक हुई हो मेरे से यहाँ पे गेमिंग हाउस में आने के बाद, चाहे आपके कोई फेवरेट क्रिएटर को मैंने कुछ बोला हो या कुछ गलती से किसी को मैंने कैमरा में कुछ ऐसा बोल दिया हो या कुछ हुआ हो, छोटी मोटी चीज़ें भी, सो आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. एंड वापस दिवाली के बाद आऊँगा मैं, बट थोड़ा सा लेट आऊँगा यहाँ पे. गेमिंग हाउस की सारी चीज़ें याद आएंगी जब भी मैं ऐसे टेरेस पे होता था, अकेले बैठता था, जब भी कुछ अपने दिमाग में नए आइडिया सोचता था या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होती थी लाइफ में, तो इधर आके बैठ जाओ, मस्त दिमाग तुम्हारा फ्रेश हो जाएगा. और गेमिंग हाउस का एक एक कोना याद आएगा कि नीचे से हम लोग व्लॉग स्टार्ट करते थे, कभी किचन से करते थे, कभी ऊपर से करते थे, वो राजमा चावल, वो हाईलाइट्स, वो गेम स्ट्रीम्स, वो गेमिंग हाईलाइट्स, वो एडिटिंग, वो ये ग्रीन टी आंटी के साथ राजमा चावल, ये जो हम लोगों ने पौधे लगाए थे यहाँ पे अपने हाथों से, सारी चीज़ें स्पेशल यार यहाँ की. बट एक ये जो दो महीने का जो एक फेज रहा है मेरी लाइफ का, दिस वॉज समथिंग स्पेशल. एंड ये मैं हर एक फेज के बाद बोलता हूँ. लास्ट टाइम जब मैं अपार्टमेंट से निकला था तब भी आई शॉट समथिंग लाइक दिस, जो मैं वन ऑन वन आप लोगों से बात करता हूँ, बिकॉज मेरी लाइफ का ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जो कि पर्सनली मैं हमेशा फील करता हूँ कि मैं अपने ऑडियंस को बताऊँ. एंड वही स्टार्टिंग से होता हुआ आ रहा है. एंड आई एम ग्लैड कि मेरे को आप लोगों जैसे नए व्यूअर्स और मिले. एंड आई नो कि ऑडियंस अब कम होने लगेगी मेरे चैनल पर, फिर से वापस से वही 1,50,000 2 लाख व्यूअर्स मेरे को देखेंगे. जब भी मैं घर पर जाऊँगा वो होम टूर वाला वीडियो बनेगा, दिवाली के ब्लॉग्स बनेंगे, मैं कुछ कहीं पर ट्रैवल करने वाला हूँ, बहुत सारे प्लान्स हैं, स्ट्रीमिंग के प्लान्स हैं, अपने रूम को रिनोवेट करने के प्लान्स है, तो उन सब के भी व्लॉग्स आएंगे चैनल पे. व्लॉग नहीं रुकने वाले, अब से रेगुलर आएंगे, बीच में एक दिन शायद रुकेगा, वो भी मैं इंस्टाग्राम आप लोगों को बता दूंगा. एंड अभी हियर अ व्लॉग करते विद एनर्जी के साथ एंड. एंड आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस जर्नी थ्रू आउट. पूरा मजा करा मैंने पर्सनली. आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, फ्रॉम ईच एंड एवरीवन ओवर हियर. एंड यहां से भी मैं घर जाऊंगा तो आई विल लर्न मोर थिंग्स. एंड आई एम सीरियसली लकी टू हैव यू ऑल. तो गाइस करते हैं आज के वाला व्लॉग एंड. आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट फॉर द वेरी लास्ट टाइम ओवर हियर. आई एम सेइंग गुडबाय. तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट. अब व्लॉग कल कंटिन्यू होगा एयरपोर्ट से. बाय. अबे मत, अबे किट, अबे पागल है क्या तू? हार गया क्या? तो मगर हेडफोन में पानी चला गया है. ठीक है, हेडफोन में नहीं गया है. और ये देख लो नीचे, हेडफोन में नहीं गया है. सुनो, जो मर्जी हो जाएगा. ना फिर तू मुझे मारेगा क्या? तू मुझे मार रहा है क्या? गुस्सा तो आ रहा है, बट आई विल कंट्रोल माय सेल्फ. कैसे फील हो रहा है माफिया? वेट वेट हो गया ऑन स्ट्रीम.